motion of charged particle in combined electric field and magnetic field. ठीक है, अब बेटा इसमें आपके पास तीन चीजें हो गई, एक तो मूविंग चार्ज होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर रेस्ट पे दिया तो आप सीधे सीधे उस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, वो हमने कर लिया है, वो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे सिंपल मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली, बाद में कुछ वेलोसिटी आ जाएगी तो फिर वो मैग्नेटिक फोर्स भी लगने लगेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे केसेस पॉसिबल हैं, वी की कितनी डायरेक्शन हो सकती है, तीन, एक्स वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी तीन और मैग्नेटिक फील्ड की भी तीन, तो टोटल 27 बन जाएंगे, 27 केसेस हो सकते हैं। हाँ, उसमें कुछ केसेस कॉमन होंगे, जैसे तीनों के तीनों एक ही एक्सेस में है, तो तीनों एक्स एक्सेस में, तीनों वाई एक्सेस में, तीनों जेड एक्सेस में, ठीक है। तो ऐसे टोटल 27 में से कुछ कॉमन होंगे, तो मैं आपको वो केसेस करा रहा हूं जो बहुत स्टैंडर्ड केसेस हैं और जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एक दो केसेस एडवांस के लिए बचा के रखेंगे, वो अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूं, नहीं तो सब जो ये सिंपल वाले हैं वो भी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एडवांस वाले बाद में, पहले बेसिक वाले पकड़ लेते। तो लिखिएगा ब्रैकेट में यहीं पे लिख लीजिए बेटा, एप्लीकेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स याद है ना, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, ठीक। तो लॉरेंज फोर्स था एफ ई प्लस एफ बी, इसमें केस वन, ऑल थ्री लीनियर, एक ही लाइन में, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दो तरीके हैं, चार्ज क्यू मास एम, कोई बताएगा क्या होगा? हाँ जी, जोर से, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, बहुत अच्छी बात है। मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी? मैग्नेटिक फोर्स क्यों जीरो लगेगी, पैरेलल है दोनों, और जब भी चार्ज की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होती है तो कोई फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगते। समझ में आया? तो यहां अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे एफ इज इक्वल टू क्यू ई आई कैप, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया बेटा, प्लस क्यू वी आई कैप क्रॉस बी आई कैप, समझ में आ गया? दैट मीन्स ये वाला टर्म जीरो हो गया, तो ऑल्दो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट बट देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स, ओके, सो एफ इज इक्वल टू क्यू ई आ गया, क्या है, आई कैप। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन, क्यू ई बाय एम, कॉन्स्टेंट वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट है क्योंकि ई कॉन्स्टेंट दी हुई है, कुछ बोला नहीं तो कॉन्स्टेंट मानेंगे, यूनिफॉर्म मानेंगे, क्यू और एम ये दोनों कॉन्स्टेंट ही रहेंगे, चार्ज पार्टिकल का है, कोई और बात तो कहीं नहीं कि वेरी कर रहा है या कुछ हो रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आई कैप में और वेलोसिटी भी आई कैप में, इस पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? हाँ, एक्सेलरेटेड तो होगा, पाथ कैसा होगा?
लीनियर होगा क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है, तो लिख लीजिएगा पार्टिकल विल मूव इन स्ट्रेट लाइन विथ चेंज इन स्पीड। क्लियर है? वेलोसिटी चेंज होगी नहीं होगी? होगी, मैग्नीट्यूड वाली, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो लिख लीजिएगा वेलोसिटी चेंज ओके। मोमेंटम चेंज होगा? होगा, मोमेंटम चेंज काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, हाँ हम ये नहीं कह सकते इंक्रीज या डिक्रीज जब तक हमें ये ना बताओ कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव, वेलोसिटी यहां तो वेलोसिटी सेम दी हुई है। ठीक है, तो अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, इंक्रीज करेगी स्पीड भी, काइनेटिक एनर्जी भी और मोमेंटम भी। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो जाएगा, भेजा तो इधर है, पहले डिक्रीज होगी। यस, यही सुनना चाह रहा था बेटा। अगर ये नेगेटिव चार्ज हो गया तो फोर्स किधर लगने लगेगा, अपोजिट, तो ये चार्ज पार्टिकल यहां तक जाएगा या रुकेगा और फिर वापस चला जाएगा। तो फोर्स डिक्रीज देन इंक्रीज इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो समझ में आ गया, ये वाला केस हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में कर चुके हैं बेटा, याद आया? तो एक्चुअल में वही बच गया। तो स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी सब कुछ चेंज हो गया विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है बेटा, अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। डायरेक्शन क्या होगी मैं अभी तो नहीं कह सकता आपसे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही लग रहा हो। ठीक है, केस टू लिखिएगा। केस टू बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हाँ जी, वी ई एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा, इसमें भी बहुत सारे बनते हैं क्योंकि VEB के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो मैं अभी एक स्पेशल केस ले रहा हूं, X एक्सिस में V, Y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड और Z एक्सिस में B आउटवर्ड। ठीक है, तो ये आपका पार्टिकल रहा, अभी पॉजिटिव ले रहा हूं Q कॉमा M, और ये इस डायरेक्शन में भेज दिया। ठीक है, कितनों को समझ में आया, पार्टिकल इधर भेजा है। ठीक, वेलोसिटी V से, V वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी की डायरेक्शन दी थी, ये मेरी वेलोसिटी है। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, वेरी गुड। तो ये लग गया बेटा एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई। ये समझ में आया, वेलोसिटी इधर जरूर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो ऐसे करके घूम जाता, पैराबोलिक पाथ हो जाता। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा बेटा? हाँ जी, आउटवर्ड, आउटवर्ड्स तो मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी।
जोर से, नेगेटिव वाई, दो पेन लो, पेन लो, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड ब्लू वाली पेन, और ये मेरी वेलोसिटी रेड वाली वेलोसिटी, बी क्रॉस बी, इसको घुमाऊं वी को बी की ओर, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नीचे, आप ऐसे घुमा लो, क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब नीचे, देखने पे है ना, आगे समझ में, या आप क्या करोगे वी को बी की ओर घुमाओगे, तो हमेशा पेन से देखिए बेटा, ठीक है। वैसे तो ये परपेंडिकुलर है, आप चाहो तो वो क्लास टेंथ वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, कौन सा, फ्लेमिंग्स लिप्टन रूल, FBI, याद आया। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो करंट इधर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गई, थंब फोर्स की डायरेक्शन हो गई, नीचे चला गया, तो ये लगा मैग्नेटिक, समझ में आ गया। और ये कितना होगा जल्दी बताओ, क्यू वी बी, क्यों थीटा 90 डिग्री है, समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अपोज कर रहे होंगे। अब ध्यान रखना बेटा, ये अपोज करने वाली चीज तभी पॉसिबल होगी जब आपका वेब बनेगा, ये याद रखने का तरीका है। आईजे के पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। तो अब देखो, वी क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऐसे कर दूं, वी क्रॉस बी की डायरेक्शन माइनस ही होनी चाहिए, तभी तो अपोज करेगा, अपोज करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को, अदरवाइज अगर कुछ चेंज हुआ, देखिए इसका मतलब क्या है, वेब का मतलब क्या है, कि अगर आपका वी एक्स एक्सिस पे है, ई वाई एक्सिस पे है, तो जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होना है। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करेंगे देखिएगा, यही बनता है, आप इसको ऐसे साइकिल बनाइए, VEB आना चाहिए, ऐसे भी हो सकता है साइकिल ऐसे घूम के आएगा जैसे IJK में चल रहा था, याद है। तो अगर वेब आपको पढ़ने में आ रहा है साइकिल घुमा के, उल्टा नहीं चलना, ऐसे नहीं चलना बेटा, ऊपर नहीं जाना है, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आना है, EBV चालू हो जाएगा, तो वेब बनने लगेगा, ये W वाला वेब नहीं है, समझ में आ गया। ऐसे चलोगे तब भी आ जाएगा, दूसरा तरीका ये याद रखने का, V क्रॉस B हमेशा E के अपोजिट होना चाहिए, क्लियर। अच्छा, तो इस केस में क्या होगा, देखिएगा, इफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स is opposite to electric force, and their magnitude is also same, F net क्या हो जाएगा, zero, समझ में आया। The particle will move without any deflection. अब देखो यहां क्या हो गया, आपको दिया हुआ है QE is equal to QVB, ये एक स्पेशल केस बना बेटा, Q से Q कट गया, V is equal to
डायमेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी जो होती है वेलोसिटी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो। समझ में आ रहा है? ये यही नहीं, ये आगे भी बहुत काम करेगी बेटा। आपको पता है लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है? तो लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी, और उनका जो रेशियो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, तो उनका रेशियो सी के बराबर होता है, ठीक है? अच्छा, अब होगा क्या, ये पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट किए सीधे निकल जाएगा, ना तो वेलोसिटी में चेंज होगा, ना स्पीड में चेंज होगा, ना मोमेंटम में चेंज होगा, ना काइनेटिक एनर्जी में। कब? जब वेट वाले सिचुएशन में होंगे ये, म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी, स्पेशल वीईबी, ठीक है, और साथ में क्यूई की वैल्यू क्यूवीबी के बराबर, यानी वी इज इक्वल टू ई बाय बी। तो ये एक स्पेशल वेलोसिटी के लिए पार्टिकल क्या करेगा, बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब एक बात करते हैं। देखिए, मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल है, मान लीजिए यहां से बहुत सारे पार्टिकल इधर भेज रहा हूं मैं, सबका चार्ज तो क्यू है। जैसे एग्जांपल लें, आपने अल्फा पार्टिकल्स लिए और सबको इधर भेजा, तो सारे अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा? प्लस टू ई। लेकिन वेलोसिटी तो सबकी अलग अलग हो सकती है। भाई, आपने आयनाइज किया, कहीं टकराए, कुछ हुआ, कोलिजन हुआ, तो किसी की स्पीड ज्यादा, किसी की कम, ठीक है? तो आपको मुझे बताना है तीन केसेस हो सकते हैं। एक तो वेलोसिटी भी, इसको हम कह रहे हैं रिक्वायर्ड, ये हमें चाहिए, ठीक। एक वी वन ग्रेटर देन वी और एक वी टू लेस देन वी। ये समझ में आया?